हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्लास नाइन्थ वाणिज्य से रिलेटेड रहेगा और हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को कंटिन्यू देखेगा क्योंकि आज का जो वीडियो हमारा सेशन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हम साथ में ये भी बताने वाले हैं आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देखिएगा कि अच्छे से समझिए जो भी हम टॉपिक समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 11 यानी कि पूछताछ व आदेश संबंधी पत्र व्यवहार से रिलेटेड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हमारे जो टॉपिक है चलने वाले हैं हम कौन कौन से टॉपिक होंगे। व्यापारी पत्र से आशय, व्यापारिक पत्र व्यवहार से आशय, आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व, व्यापारिक यानी कि एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण एवं उद्देश्य, व्यापारी पत्र के मुख्य अंग, पूछताछ का पत्र, निरख पत्र, आदेश पत्र, आदेश पत्र की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का पत्र, माल भेजने की सूचना का पत्र, फिर आदेश पत्र को निरस्त करने का पत्र, आदेश भेजने के लिए अनुस्मारक पत्र। तो स्टूडेंट, पत्र यहाँ पर पत्र की बात की जा रही है। अब तक आपने जितने भी ये चैप्टर पढ़े, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी काफ़ी पत्र से रिलेटेड, तो इसमें एक चैप्टर आपका ये भी आ गया है पूछताछ से रिलेटेड और आदेश संबंधी। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला नंबर टॉपिक होगा हमारा व्यापारिक पत्र से आशय होगा। स्टूडेंट, किसी व्यापारी या व्यापारी संस्था द्वारा अनेक व्यापार से संबंधित लिखे जाने वाले पत्र व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे मूल्य की पूछताछ, माल का आदेश, माल के संबंध में शिकायती पत्र, माल के भुगतान के संबंध में पत्र, माल के प्रचार आदि के संबंध में पत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होते हैं, हमारे व्यापारिक पत्र होते हैं। व्यापारिक पत्र से आशय, आवश्यकता, उद्देश्य एवं महत्व तो क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। व्यापारिक पत्र के बारे में आपने जाना क्या होता है। व्यापारिक पत्र हमारे व्यापार यानी व्यापारी व्यापारी संस्था से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम मूल्य का पूछताछ, माल का उद्देश्य, माल के संबंध में बताते हैं और साथ ही हम आज आपको आशय, आवश्यकता, उद्देश्य भी बताएंगे। व्यापारी पत्र से आशय, जब दो व्यक्ति अथवा व्यापारियों के माध्यम से व्यवसाय के संबंध में पारस्परिक संबंध स्थापित करना संभव नहीं होता है तो वे व्यापारी संबंधों को स्थापित करने के लिए जिस अप्रत्यक्ष साधन का प्रयोग करते हैं उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, व्यापारिक पत्र व्यवहार कहते हैं। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है, व्यापारियों के मध्य कार्य किया जाता है, जिसमें हम व्यवसाय संबंध स्थापित करते हैं वही हमारे व्यापारिक पत्र व्यवहार कहलाते हैं। पत्र व्यवहार के माध्यम में वे एक दूसरे के निकट संपर्क में भी रहते हैं और साथ ही विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करने में भी समर्थ होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, व्यापारी पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं उद्देश्य। एक व्यापारी पत्र वास्तव में एक टाइप की हुई लिखित वार्ता होती है। नियोजित ढंग से किया गया पत्र व्यवहार भी अपने उद्देश्य में सफल होता है। विधिवत लिखा गया पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों में पूर्ति कर सकता है। तो सबसे नंबर पॉइंट पे यहाँ पर इसके कारण दे रखे हैं आवश्यकता के। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है हमारा, ये व्यापारी को प्रेरित करता है, यह नए ग्राहक बना सकता है, यह खोए हुए ग्राहक को पुनः प्राप्त कर सकता है, यह शिकायतों का समायोजन कर सकता है, यह साख का निर्माण करता है, यह नवीन विपणियों की खोज करता है, यह विक्रेता प्रतिनिधियों के आदेश दिलाने में सुविधा प्रदान करता है, यह विक्रेताओं की बिक्री को प्रोत्साहित कर सकता है, यह अशोधित ऋण की वसूली को सरल बनाता है, इसके द्वारा एक अपरिचित व्यक्ति को परिचित व्यक्ति में परिचय कराया जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पत्र व्यवहार की आवश्यकता। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप एक बार देखेंगे, सोचेंगे जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप ये भूलेंगे नहीं कि आपकी व्यापारिक पत्र कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, उसमें क्या क्या काम किए जाते हैं, उसकी क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम व्यापारिक पत्र का व्यवहार यानी कि महत्व। व्यापारिक वर्तमान व्यापारी प्रतियोगिता के युग में व्यवसायी सफलता एवं सीमा तक व्यापारिक पत्र का पर निर्भर करती है। पत्र व्यवहार के द्वारा ही व्यापारी अपने व्यवसाय को विश्व के कोने कोने में पहुंचा सकता है। यह एक सृजनात्मक शक्ति है जिसके माध्यम से पूर्व स्थापित संबंध बने रहते हैं और नवीन संबंध सृजित होते हैं। पत्र व्यवहार व्यक्तिगत संपर्क की तुलना में अधिक प्रभावशाली होता है। यह व्यक्तिगत भेंट की अपेक्षा सस्ता एवं सरल साधन भी है। पत्र व्यवहार व्यापारिक कार्यकलापों के लिए एक साक्षी का कार्य करता है। इसके माध्यम से असंतुष्ट ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया जा सकता है तथा एक ही समय में अनेक लोगों को संपर्क में भी स्थापित किया जा सकता है। साथ ही स्टूडेंट,
तकादे के पत्र में उधार की वसूली करने में बहुत ही सहायक होते हैं ये, और कुशल व्यापार में भी आज के युग में ऋण की वसूली कर सकता है, यानी कि जो लोन है उसकी वसूली भी कर सकता है, भले ही वो क्या है कितने भी बड़े व्यवसायिक व्यापारों में व्यक्तिगत भेंट या टेलीफोन से इतिश्री हो जाए, यानी कि कितना ही उसका कॉन्टैक्ट हो तो वो आसानी से उसको ले सकता है, लोन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन पत्र के माध्यम से उसको पुष्टिकरण आवश्यक हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि जो व्यक्तिगत भेंट के समय जो कभी कभी ऐसे वाक्य मुंह से निकल जाते हैं जिन्हें ग्राहक रुष्ट हो जाते हैं यानी कि नाराज हो जाते हैं, लेकिन पत्र व्यवहार में ऐसा संभव नहीं होता। तो इस प्रकार जो स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार मनुष्य के सभी शरीर में के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यापारी के लिए भी पत्र व्यवहार की रक्त की भांति कार्य करता है। इसी कारण पत्र व्यवहार व्यापार की आत्मा का जीवन भी कहलाता है। तो आपने देखा स्टूडेंट, जो पत्र व्यवहार होता है वो व्यापार की आत्मा कैसे कहलाता है। तो स्टूडेंट, व्यापारी पत्र व्यवहार की आत्मा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आता है। और यदि आपसे इसी के साथ में आवश्यकता और उद्देश्य और उसका आशय भी पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आपने आज ये अच्छे से समझा, और अच्छे से समझा ही नहीं, आप इसे अगर आप एग्जाम में बनाकर भी करके भी आए हैं तो ये समझ लीजिएगा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि व्यवसाय को डीपली पढ़ना, उसको समझना ही काफ़ी होता है। उसके बाद में स्टूडेंट आता है एक श्रेष्ठ व्यापारी पत्र के गुण एवं उद्देश्य। गुण क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ये भी आपका एग्जाम में आने वाले से रिलेटेड होता है। एक श्रेष्ठ व्यापारी पत्र वह कहलाता है जो उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाता है जिसके लिए वह लिखा गया है। व्यापारी पत्र को लिखना कोई आसान नहीं कार्य है, इसके लिए लेखक को मनोवैज्ञानिक ज्ञान की युक्त होना चाहिए, उससे संबंधित विषय का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट, ये हमारे एक श्रेष्ठ व्यापारी के गुण और उद्देश्य हैं। सबसे नंबर वन पर है पूर्णता। व्यापारिक पत्र में सभी आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिए, यानी सभी बातों का पता होना चाहिए, तथा कुछ ऐसी बात लिखने में नहीं रह जानी चाहिए जिससे वह प्राप्तकर्ता को दोबारा पूछताछ करने में समय में नष्ट ना हो, यानी कि समय भी वेस्ट ना हो, ठीक है, हर बातों की जानकारी होनी चाहिए। विनम्रता, यह आवश्यक होना चाहिए कि जो पत्रों के प्रयोग की जाने वाली भाषा शिष्टतापूर्वक मुद्रण मृदुल तथा विनम्र होने वाले साथ साथ सरल एवं स्पष्ट भी होने चाहिए। शिष्टता, तो जो शिष्टता होती है, व्यापारी को पत्र में धन्यवाद एवं कृपया आदि की शिष्ट शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। अभद्र या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जैसे कि अभद्र यानी कि नाराज ना हो जाए, जिससे कि गलत वर्ड को यूज ना करें, तो ऐसे वर्ण यानी कि शब्दों का यूज ना करें, कृपया करके सिर्फ ये धन्यवाद और कृपया शब्दों से ही प्रयोग करें। शुद्धता, पत्र में कोई भी असत्य का प्रयोग, शुद्धता, पत्र में कोई भी असत्य भ्रामक बात नहीं लिखी जानी चाहिए, सभी तथ्य आंकड़ा पत्र में लिखित बातें संख्या सन व दिनांक आदि सहित होनी चाहिए। स्पष्टता, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए जिससे सामने वाला बंदा उसे आसानी से समझ सके, बार बार पढ़ सके, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, केवल एक ही बार पढ़कर ही उसे समझ जाए। संक्षिप्तता, व्यापारी की विवेचना के बाद यह कारण पत्र यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए, जहां तक हो सके छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावपूर्णता, पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे शब्द का प्रयोग वाक्यों के चयन करने में होना चाहिए, जिसे पढ़कर पाठक प्रभावित हो और उसे सोचने के लिए प्रेरित हो जैसा कि लेखक चाहता है। तो स्टूडेंट ये थे एक गुण और दोष यानी कि विशेषताएं, जैसे कि आपने समझा। तो स्टूडेंट ये आपके टॉपिक यानी कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट पूछताछ का पत्र, तो पूछताछ के पत्र में भी हम जान लेते हैं स्टूडेंट हमारा क्या आता है। तो जो पूछताछ वाले पत्र होते हैं हमारे, ये जब कोई व्यक्ति या व्यापारी कोई वस्तु क्रय करना चाहता है तो वस्तु का क्रय करने से पूर्व वह उस वस्तु के संबंध में मूल्य, किस्म एवं व्यापारिक शर्तों आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। अतः इस संबंध में विभिन्न व्यापारियों या फर्मों का पत्र लिखना होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट, पूछताछ का पत्र कहते हैं। इस पत्र में वस्तु का नाम, किस्म, मात्रा, मूल्य, पैकिंग की विधि, नमूने की मांग, बिक्री की शर्तें, व्यापारिक छूट, भुगतान की विधि आदि भी आवश्यकतानुसार उल्लेख देना चाहिए, ताकि बाद में अनावश्यक पत्र न करना पड़े। यदि कुछ विशेष प्रकार की या किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसका पत्र भी स्पष्ट रूप से लिखा देना चाहिए। तो सबसे नंबर पे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जो पूछताछ का पत्र आता है वो किस तरीके से आता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि मेरठ में एक पुस्तक विक्रेता मेसर्स चित्रा प्रकाशन इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड को एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे सूची पत्र भी मांग कीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका यहाँ पर लेटर आएगा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें तार दूरभाष संदर्भ संख्या और यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, साथ में दिनांक भी होती है स्टूडेंट, और यहाँ पर किस दुकान से या फिर किस स्टोर से आप यहाँ पर ले रहे हो, सामान ले रहे हो, विक्रेता कर रहे हो, विक्रय कर रहे हो, तो यानी कि क्रय कर रहे हो, तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। फिर उसके बाद में जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में मेसर चित्रा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 312 वेस्टर्न कचहरी रोड मेरठ प्रिय महोदय, तो हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में हमारी जो दिक्कतें होंगी, मान लें कि चित्रा प्रकाशन में हमारी क्या प्रॉब्लम हुई है, सूची की मांग कर रहे हैं, तो सूची की मांग हम किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ लिखा होता है। इस पत्र के द्वारा हम आपको लिखते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हम पाठ्य पुस्तकों में नई दुकान खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, कृपया करके अपने द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के मूल्य तथा व्यापारिक शर्तें लिखने का कष्ट करें। हमें पुस्तकों का अधिक मात्रा में आवश्यकता है, यह आपकी निर्धारित शर्तें मूल्य उचित होंगे, व्यापार संतोषजनक होगा तो हम आपको शीघ्र ही आदेश देंगे, तो आशा है कि आप शीघ्र उत्तर देकर हमें अनुग्रहित करें स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम भवदीय लिखेंगे और साथ में वास्ते यानी कि किसके द्वारा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रदीप बुक डिपो, और यहाँ पर लिखेंगे प्रोप्राइटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा पूछताछ के पत्रों से यानी कि पत्रों से रिलेटेड। तो पूछताछ का पत्र स्टूडेंट एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा, ये कम से कम 5 नंबर का या 8 नंबर का आता है, अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी तो आपके एग्जाम में ये नंबर कट जाएंगे। तो आपको मैंने ये बहुत डीपली समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट निरपत्र। वस्तु के मूल्य किस्म एवं अन्य व्यापारिक विक्रय शर्तों के संबंध में पूछताछ के पत्र उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे निरक पत्र कहलाते हैं। इस पत्र के आधार पर ही ग्राहक वस्तु की पूर्ति के लिए आदेश देता है, अतः एक ऐसे पत्र की भाषा काफ़ी विनम्र होती है तथा यह पत्र बड़ी ही सावधानी पूर्वक लिखा जाता है। ऐसे पत्र में वस्तु का मूल्य किसी मात्रा में मूल्य पैकिंग की विधि विक्रय की शर्तें होती हैं व्यापारिक कमीशन और भुगतान की विधि और संबंध से स्पष्ट रूप में लिख देना चाहिए ताकि संभावित ग्राहक आदेश भेजने के लिए प्रेरित हो जाए। यदि माल मूल्य के आधार पर विक्रय होना हो तो सूची पत्र पर भेजा जाना चाहिए और हो सके तो पत्र के साथ साथ अवश्य भेज देना चाहिए जिससे ग्राहक को पुनः अनावश्यक पत्र व्यवहार न करना पड़े। तो स्टूडेंट इससे भी रिलेटेड हमारा निर्क पत्र मैंने आपको बताया, जिसमें विक्रय की शर्तें होती हैं, पूछताछ के उत्तर लिखे हुए होते हैं, उसे हम निर्क पत्र कहते हैं। तो मेरठ के शैक्षिक पुस्तकों में प्रकाशक मेसर चित्रा प्रकाशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गाजियाबाद के प्रदीप बुक डिपो के पूछताछ का पत्र यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, प्राप्त हो रहा है। ऐसे पत्र के उत्तर में मसौदा तैयार कीजिए, अनावश्यक विवरण अपनी ओर से दीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप किस तरीके से लिखेंगे, शिक्षा प्रकाशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेषी पुस्तकों का प्रकाशन, यहाँ पर आप तार लिखेंगे, किसी नाम लिख सकते हैं जो यहाँ पर नाम दे रखा है, दूरभाष संख्या आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया होता, साथ ही संदर्भ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं और एड्रेस आप यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में एड्रेस तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप यहीं पर लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं एड्रेस और दिनांक भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, दिनांक भी आप कोई भी डाल सकते हैं आपका आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। फिर उसके बाद में सेवा में नाम यहाँ पर जो भी दे रखा होगा वो नाम डालेंगे, रेलवे रोड एड्रेस डाल देंगे प्रिय महोदय। तो क्या कर रहे हैं आप, पूछताछ के पत्र का उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, आपका पत्र संख्या दिनांक ये दे रखी है, हुआ इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हम इस पत्र को अपने साथ ही प्रकाशित पुस्तकों की मूल्य सूची में भेज रहे हैं, आपको जिन पुस्तकों की आवश्यकता है उन मूल्य का संग्रहण मूल्य सूची में उल्लेखित कीजिए। उसके बाद में 25% व्यापारी छूट और नगद छूट 2% अतिरिक्त छूट देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही मूल्य बहुमूल्य आदेश भेजकर इसे कृतार्थ करेंगे। तो स्टूडेंट ये था भवदीय जिसमें आपका यहाँ पर जाना नाम लिख रखा है, आलोक रस्तोगी व्यवस्थापक, तो स्टूडेंट यहाँ पर संलग्न यानी कि मूल्य सोची। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट आपके आते हैं, साथ ही आप एक क्लास में ये देखेगा कि आदेश पत्र क्या होता है, आदेश पत्र वे पत्र होते हैं जब विभिन्न व्यापारी से निर्क पत्र प्राप्त होते हैं और ग्राहक क्रेता का तुलनात्मक अध्ययन करता है, आवश्यक संतुष्टि प्राप्त होने पर वह संबंधित व्यापारी की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए क्या करता है स्टूडेंट, पत्र लिखवाता है और साथ ही उसके उद्देश्य को क्या कहते हैं हम,
आदेश पत्र कहते हैं। तो आदेश पत्र के बारे में आपने जाना स्टूडेंट, इससे रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आदेश पत्र से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, इस टाइप के आते हैं कि जो सुमन पुस्तक भंडार गोरखपुर की ओर से चित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन एवं पुस्तक बेरठ की आवश्यकता